जो कि है $2.5 लाख। आप $2.5 लाख की कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लें और उसके ऊपर आपको ये लोग सिटीजनशिप अवार्ड कर देते हैं। कि भाई यहाँ नेशनलिटी लेने की क्या वजह है, क्या आप यहाँ फैमिली लेके मूव हो गए, यानी क्या फ़र्क लगा पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में और यहाँ के लाइफस्टाइल में? एक तो यार नंबर वन पॉइंट ये भी था कि इनकी करेंसी अगर आज से 2008 पे देखते हैं सही तो 60 पे थी, 60 रुपीज़ का एक लीरा हुआ करता था और डॉलर के एक्सचेंज में देखते हैं 1.3-1.5 लीरा का एक डॉलर मिलता था। यानी इन्वेस्टमेंट $2.5 लाख ना हो, भले से पाकिस्तानी 50 लाख भी हो जी, कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है, बस आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इधर और उसे ले सकते। यार व्यू चेक करें आप लोग, ये स्नोफॉल हो रही है अभी राइट नाउ और बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्नोफॉल हो रही है भाई। यकीन, ऐसा यकीन, यकीन बिल्ड करना है तूने अपनी लाइफ। बेटा लोग तुझे फोन करते हो, एक कायनात हमारे मुस्तकबिल के लोगों से फोन करती हो, तुझे लीडर बनना है अपनी फील्ड के अंदर, लोग फोन करते हो तुझे, अपने मसले तुझसे सॉल्व कराते हो, हकीम बनी और हलीम बनी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हसन रहमान इन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो राइट नाउ मैं अभी वॉक करता हुआ जा रहा हूँ अक्सराय की स्ट्रीट पे, तो आज सोचा कि आप लोग के साथ एक कंटेंट बनाया जाए कि सिटीजनशिप कैसे ली जाती है और क्या क्या इसके तरीके हैं। तो अभी जो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, वजाहत नाम है इनका, इज फ्रॉम कराची और ये यहाँ के नेशनल हैं, टर्किश पासपोर्ट है इनके पास। असल में थोड़ा सांस फूल रहा है हमारा, बहुत देर से वॉक करते हुए आ रहे हैं, बहुत सर्दी भी हाँ और स्नोफॉल हो रही है अभी राइट नाउ इस्तांबुल में। तो वजी भाई कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? तो वजी भाई थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने किस तरीके से नेशनलिटी ली और माशाल्लाह पासपोर्ट भी है आपके पास। जी जी, नेशनलिटी यहाँ तो आपको सबको पता है क्योंकि एक क्राइटेरिया आपको इन्वेस्टमेंट की पूरी करनी पड़ती है जो कि है $2.5 लाख। आप $2.5 लाख की कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लें और उसके ऊपर आपको ये लोग सिटीजनशिप अवार्ड कर देते हैं, मगर उसकी भी एक कैच होती है, आप 3 साल तक अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। सही जी हाँ। तो अच्छा, जिनके पास $2.5 लाख नहीं है वो किस तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं, ये भी जरा बताओ। तो उनके ऊपर वही 5 ईयर्स वाला जो प्लान है इनका वो इन वर्किंग आ जाती है, उसके ऊपर ये $60,000 या 50,000 कोई भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट खरीद लें। सही सही है, उसके ऊपर इनको 5 साल रेजिडेंसी करनी पड़ती है, पूरी अपनी क्राइटेरिया उनका पूरा करना पड़ता है जिसमें फिर उसके बाद ये एलिजिबल होते हैं। इनको ये पक्का नहीं होता कि उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, मगर वो एलिजिबिलिटी उनकी पूरी हो जाती है, वो एलिजिबल हो जाते हैं जिसके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। आ जाते हैं रूट क्रॉस करके। अच्छा, यानी इन्वेस्टमेंट $2.5 लाख ना हो, भले से पाकिस्तानी 50 लाख भी हो जी, कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है, बस आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इधर और उसके ऊपर आप 5 ईयर्स अपनी कंप्लीट करते हो, फिर आप एलिजिबल होते हो फॉर नेशनैलिटी, फिर आप अप्लाई करते हो जिसके ऊपर आपका टेस्ट भी होता है, वो आपको एक हद तक आपको टर्किश भी आनी चाहिए, आप लॉयर अपने लिए हायर करते हैं, वो लॉयर आपका केस बना के सबमिट करता है। सही जी। अच्छा वजी भाई थोड़ा सा ये बताओ कि भाई यहाँ नेशनैलिटी लेने की क्या वजह है, क्या आप यहाँ फैमिली लेके मूव हो गए, यानी क्या फ़र्क लगा पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में और यहाँ के लाइफस्टाइल में, क्या आपने यहाँ की नेशनलिटी ले ली? एक तो यार नंबर वन पॉइंट ये भी था कि इनकी करेंसी अगर आज से 2008 पे देखते हैं सही तो 60 पे थी, 60 रुपीज़ का एक लीरा हुआ करता था और डॉलर के एक्सचेंज में देखते हैं 1.3-1.5 लीरा का एक डॉलर मिलता था। ठीक है, सही। उस टाइम इनकी जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट की जो क्राइटेरिया थी वो $1 मिलियन थी। सही, ठीक है, $1 मिलियन थी उस टाइम। तो ये लोग अपने इंटरेस्ट रेट और इनके ऊपर ज़रा अमेरिका से अनबन नहीं हुई इनकी। सही, ठीक है, तो इस वजह से इनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगे थे तो इनका ना लीरा नीचे आ गया था। लीरा अभी भी नीचे इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई इकॉनमी इनकी ख़राब है, चल नहीं रही, सही नहीं चल रही, इसलिए लीरा इसलिए सही नहीं है कि इनकी इकॉनमी, इनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, लीरा इसलिए नीचे क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट्स काट रहे हैं। सही, पेंडेमिक में जितने भी इकॉनमीज़ हैं
जो नई नई उठ रही हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में सपोर्ट करने के लिए। सही, ये मतलब अपनी करेंसी की जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरा रहा है ताकि इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ें, बिजनेसेस ज़्यादा बोरो कर सके आसानी से। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे जाके ये लीरा ये नहीं रहेगा, लीरा वापस ऊपर जाएगा। बाकी ये है कि अफोर्डेबिलिटी इस वजह से भी हमने ली है। अगर ये लोग स्क्रैप कर देते हैं $2,50,000 की स्कीम को, तो $1,000,000 में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई 1% ही होगा जो ख़रीद सकेगा। बिल्कुल ठीक है ना, एक वजह ये भी है कि हमने इसलिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वरना मेरे ख्याल में अगर ये अपॉर्चुनिटी चली गई फिर कोई नहीं ले सकता। यार व्यू चेक करें आप लोग, ये स्नोफॉल हो रही है अभी राइट नाउ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्नोफॉल हो रही है भाई। आ जाए भाजी भाई, बेसिकली मैं अभी राइट नाउ अपने क्लाइंट से भी मिलने जा रहा हूँ, तो वजी भाई साथ थे तो मैंने सोचा एक छोटा था आपको एक मैं डेमो दिखा दूं, बाद में इनके साथ मैं एक डिटेल व्लॉग बनाऊंगा कि सिटीजनशिप किसी को लेनी हो तो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वजी भाई फ्रॉम कराची पाकिस्तान बैठे हैं जो अपना पासपोर्ट है इनका। अब वो मैं दिखा तो सकता नहीं, मगर अलहमदुल्ला वजी भाई हमारे पास ऐसे बंदे हैं, इनके पास सिटीजनशिप है, और किसी को सिटीजनशिप प्रोसेस करवाना हो तो उसमें आपकी मदद भी हो जाएगी। तो भाई मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तेरे जैसे बहुतों को तो कराची खा गई, तू कराची को ट्विटर पे आके बाजी ना दई, गवा ये गलियां नाके और सड़क के, मर्दों के मैटर में बोलते नहीं लड़के, क्लास में बिठाऊंगा सबक सिखाऊंगा जो सीखे मैंने जिंदगी से अब तक। मैं जैसे वो तस्वीर हूँ, कभी मैं मुर्शिद और कभी मैं पीर हूँ, कभी मैं आलिम में दिल का अमीर, मैं कैसे दिखाऊं अब नीचा उनको जो पहले से ही मेरे नीचे हैं, इस फैसले मेरी जात से बड़ा मेरा मकसद। यार देख साइंस नहीं मिजाज देख, नहीं होता काबू में तेरा जमीर हूँ, कभी एक बाल में कभी मैं मीर। नेवर फाइट पिक मी बोथ आर्ट और डीप, ये कराची बातचीत, तू कराची आसई, तू कराची।